जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स लीला में। दोस्तों आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे और अभी हम लोग मैथ का सीरीज चला रहे हैं, सारा चीज इसमें ले आएंगे धीरे धीरे। अभी एकदम हम बेसिक से चला रहे हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखते हैं कि जीरो से हीरो लेवल तक लेके जाना है। तो जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसमें जिस तरीका से हमको जिस जिस चीज का तैयार करना पड़ता है बेस, उस तरीका से हम अभी चल रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी गाड़ी में जितना ही ब्रेक का जरूरत होता है उतना ही एक्सलेटर का जरूरत होता है, उतना ही ब्रेक का जरूरत होता है। तो उसी तरह से मैथ सीखने के लिए हर एक छोटी चीज का जरूरत पड़ता है, जैसे फ्रैक्शन हो गया, प्लस माइनस हो गया, बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज होती है उस सारी चीज को देखना पड़ेगा। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो इंतजार कीजिए, सारे चीज आपके सामने आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से आएंगे। आज हम फ्रैक्शन जो पढ़ाने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से फ्रैक्शन आप नहीं समझे होंगे और बहुत आसान भाषा में हम फ्रैक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे आपको। कहीं कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करके बताइएगा, जहां भी नहीं समझ में आएगा हम आपको डाउट जो है जरूर क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रैक्शन, आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में देखना है, फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, हिंदी में इसको भिन्न कहा जाता है। हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे, ताकि कुछ मेरे दोस्त होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, कुछ होंगे हिंदी मीडियम वाले, तो दोनों आदमी को लेकर चलना है हमको। तो ये देखिए फ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शंस दुनिया का वह संख्या, दुनिया का वह राशि जिसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ये p by q के फॉर्म में हम किसी भी अगर नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर q का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। इसको क्या पढ़ेंगे, q should not equal to zero, मतलब q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाले का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म होगा ये क्या कहलाएगा, फ्रैक्शंस कहलाएगा। जैसे 2/3, 4/5 है ना, 6/9, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, फ्रैक्शंस है। अब फ्रैक्शंस में आप लोग एक बात गौर कीजिएगा कि ये जो फ्रैक्शन है 7/9, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। इसको हिंदी की बात कर ले तो इसको बोला जाता है अंश और इसको बोला जाता है हर, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है, भिन्न में क्या होता है कि जो हर होता है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर का मान जीरो हो जाएगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। जैसे कहीं पे लिखा रहेगा 8/0, इसका मतलब हो जाएगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थी फ्रैक्शंस के बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद करना होगा, दिमाग में रखना होगा कि फ्रैक्शंस में क्या क्या होते हैं। जैसे पहली बात यह है कि कभी भी डी का मान जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे देखिए, अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जीरो है, ऊपर वाला जीरो है और नीचे वाला कुछ भी है, तो ऊपर वाला जीरो है नीचे वाला कुछ भी रहेगा तो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। न्यूमरेटर जीरो रहेगा, डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर किसी फ्रैक्शन का, किसी भिन्न का अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेगा, जब दोनों सेम रहेगा तो इस फ्रैक्शन का मान क्या होगा, एक होगा। जब दोनों सेम रहेगा तो इस फ्रैक्शन का मान क्या होगा, एक होगा। और इसके आगे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 5/3, तो ऐसा फ्रैक्शन का रूल है कि हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस
के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा रूल है कि किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15/9। इसको अगर हम डिवाइड भी करेंगे ना, इसको अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर दे रहे हैं, नीचे में मान लीजिए यहाँ 3 है, 5/3 को हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं, तभी इसका जो आंसर आएगा वो 5/3 के इक्विवेलेंट ही आएगा। इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कुछ फ्रैक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको माइंड में रखना है। और भी आइए विशेष हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में। आइए अब देखते हैं फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शंस होता क्या है। तो आप अभी फ्रैक्शंस के बारे में क्या देखे, आप अभी देखे भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है, 2/3, 4/7, 3/10, 5/100, इस तरह से कुछ भी रहेगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, फ्रैक्शंस कहलाएंगे, भिन्न कहलाएंगे, p/q के फॉर्म में, और किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, जो कि हम अभी बताएं। अब यहां से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको इजी वे में बता रहे हैं। फ्रैक्शन जो है यहां से दो तरह में मिलेगा आपको। पहला मिलेगा सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन जिसको आप हिंदी में कहेंगे साधारण भिन्न। दूसरा मिलेगा आपको डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको कहेंगे दशमलव भिन्न। ठीक है, साधारण फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न किसको कहा जाता है। तो वैसा भिन्न जिसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं होगा, उसके डिनोमिनेटर में 10 को छोड़ के सारा नंबर होगा, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8 कुछ भी होगा, लेकिन 10 नहीं होगा, 10 का पावर नहीं होगा, 10 का घात नहीं होगा, जैसे 10 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, तो उसको सिंपल भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 6/7, 9/8, तो इस सब में आप क्या देख रहे हैं कि इसके नीचे क्या है, 5 है, 7, 8 है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं आएगा या 10 का पावर नहीं है। ठीक है, तो वैसा भी जिसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, 10 छोड़ के उसके अलावा कुछ भी है, वो क्या कहलाता है, साधारण भिन्न कहलाता है। अब आते हैं दशमलव भिन्न की तरफ। तो दशमलव भिन्न उसको कहा जाता है जिसके डिनोमिनेटर में नीचे में हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा। जैसे यहां पे रहेगा 6/10, 5/100, 9/1000, etc. इस तरह से आगे आपको मिलते रहेगा। तो दशमलव फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि किसी अगर भिन्न के डिनोमिनेटर में, किसी अगर भिन्न के हर में क्या रहेगा, 10 रहेगा या 10 का घात रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है, दशमलव भिन्न कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25, ये सब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका आ गया क्या, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। अब यहां से देखिएगा, हम सिंपल फ्रैक्शन को दो पार्ट में बताएंगे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को कहा जाता है समान भिन्न, इसको कहा जाएगा असमान भिन्न। असमान भी, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो वैसा भी जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, वैसा भी जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे 2/9,
सेवन बाई नाइन, एट बाई नाइन, इस सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इस फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, समान नहीं। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? तो ठीक इसका अपोजिट, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा। हमको न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं, न्यूमरेटर इसमें सेम हो भी सकता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं रहना चाहिए, उसका हर सेम नहीं रहना चाहिए। जैसे देखिए फोर, फोर बाई सेवन, आगे आपको मिल जाएगा सिक्स बाई, सिक्स बाई एट, फिर मिल जाएगा आपको फोर बाई थ्री। तो इस तरह से देखिए किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भी। ये मत कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पर चार है यहाँ पर चार है, न्यूमरेटर सेम है तो ही लाइक हो जाएगा, नहीं, न्यूमरेटर से हमको कोई बहस नहीं है। लाइक और अनलाइक देखने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तो ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, असमान भी कहलाएगा। उसी तरह से डेसिमल फ्रैक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा लाइक डेसिमल दूसरा होगा अनलाइक डेसिमल। इसको कहिएगा समान दशमलव, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन कर दीजिए, तरंग दीजिए, इतना ही आपको समझना है, थोड़े है कि कोई डिफिनेशन देना है। तो समान दशमलव और ये हो जाएगा असमान दशमलव। इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा, हम यहां इसको सेपरेट कर दें ताकि कोई कंफ्यूज ना करे। लाइक फ्रैक्शन में होता है लाइक डेसिमल, जैसे यहां पे लिखा रहेगा 3.25, 0.26 और आगे देख लीजिए 0.76। तो यहां देखिए डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद सेम डिजिट रहेगा, जैसे यहां कितना है तीन गो टर्म है एक दो तीन, तो तीनों डेसिमल फ्रैक्शन में देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है एक दो, इसमें डेसिमल के बाद एक दो, इसमें डेसिमल के बाद एक दो। तो लाइक डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेसिमल के बाद ये जो डिजिट की संख्या हो क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेसिमल के पहले क्या है, जीरो है कि तीन है कि पांच है, उससे कोई बहस नहीं है। लाइक फ्रैक्शन के लिए डेसिमल के बाद वाला, दशमलव के बाद वाले डिजिट को देखना है, अगर दशमलव के बाद वाला डिजिट क्या है सब में सेम है वो लाइक फ्रैक्शन चलाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसमें दशमलव के बाद डिजिट अलग अलग रहेगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहां देख रहे हैं डेसिमल के बाद तीन डिजिट, दशमलव के बाद दो डिजिट, दशमलव के बाद चार डिजिट, तो यहाँ हर एक डेसिमल फ्रैक्शन में दशमलव के बाद अलग अलग डिजिट है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, अनलाइक डेसिमल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, लाइक डेसिमल कहलाएगा। तो ये थी फ्रैक्शन के बारे में, अनलाइक क्या है, लाइक क्या है, सिंपल क्या है, डेसिमल क्या है, ठीक है। आइए फिर अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन में और कुछ क्या है इंपॉर्टेंट बात जिसको हमको जानना है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी तो हम लोग देख लिए फ्रैक्शन में लाइक क्या है, अनलाइक क्या है ना, फिर आगे देखते हैं इसमें फ्रैक्शन में और भी चीज है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार में देखिए क्या क्या होता है। इसमें आपको पहला मिलेगा, यहां से हम चलते हैं, ऐसे चलते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला मिलेगा लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, जिसको कहा जाएगा हिंदी में संक्षिप्त भिन्न। ध्यान दीजिएगा संक्षिप्त भिन्न किसको कहा जाएगा,
तो संक्षिप्त भिन्न नाम से ही पता है कि लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन मतलब जो सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन होता है उसको अब नहीं काटा जा सकता है, उसको अब नहीं छोटा किया जा सकता है, वही मेरा संक्षिप्त भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में केवल एक HCF हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन संक्षिप्त भिन्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2/3, 4/3, इस तरह से 1/2, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, लोएस्ट फ्रैक्शन है, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन है। मतलब कि इसमें अब इसको इससे काट के छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए दूसरा जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम कहेंगे उचित भिन्न, उचित भिन्न कहेंगे हमको। उचित हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए लेकर चलना पड़ रहा है कि अभी BPSC हेडमास्टर का बयाली आया है, तो उन लोगों का भी सिलेबस यही है। तो उन लोगों को जो मेरे दोस्त लोग जो हैं वो बिहार गवर्नमेंट के अंदर टीचर हैं स्कूल में, तो प्राइमरी हेडमास्टर का जो वैकेंसी आया है तो उसमें भी उनको कुछ मैथमेटिक्स पढ़ना है जिससे 20 क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए हम हिंदी लिख दे रहे हैं कि वो मेरे भाई लोग को हिंदी से काम चल जाएगा। आगे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, तो वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा रहता है डिनोमिनेटर से, यानी अंश छोटा रहता है किससे, हर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रहेगा 3/5, 6/13, 7/9, क्या है डिनोमिनेटर से ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है छोटा रहेगा, अंश जो है हर से छोटा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ 7 जो है 9 से छोटा है तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, कहीं अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे कि किसको क्या कहते हैं अगर कहीं भी दिक्कत होगा। आगे देखिए इम प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है अनुचित भिन्न, अनुचित ध्यान दीजिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है ये बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी अंश जो होगा ये बड़ा होगा किससे, हर से। ये क्या है ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। जिधर ही मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, जिधर एरो रहता है उधर छोटा होता है। तो यहां देखिए दोनों को कैसे याद रखेंगे, बहुत बढ़िया तरीका याद करने का, प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना है कि न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा होगा। और इम्प्रॉपर में याद रखना है कि न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होगा। जैसे यहां पे रहेगा 13/2, 12/3, 98/25, इस तरह से आपको कुछ कुछ मिलते रहेगा। देखिएगा क्या है ऊपर वाला जो है नीचे वाला से क्या है बड़ा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है बड़ा है। वैसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। वैसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर इम्प्रॉपर लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग इसमें कुछ और है जिसको देखते हैं। इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन, क्या आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
जिसको कहा जाएगा मिश्रित भी। मिश्रित गेम, ध्यान दीजिएगा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, फोर होल थ्री बाई सेवन। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो देखिए इधर वाले को कहा जाता है होल पार्ट, इंटीजर पार्ट, और इधर वाले को फ्रैक्शन पार्ट, यानी होल और फ्रैक्शन दोनों को मिला दिया जाता है तो मिक्स बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है मिश्रित। मिक्स मतलब मिलाना, तो किसको मिलाना, इंटीजर को और फ्रैक्शन को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, मिश्रित नहीं, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, नाइन होल टू बाई सेवन, नाइन होल टू बाई सेवन, थ्री होल वन बाई एट, ये सारे के सारे क्या हैं, मिश्रित भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन इस रूप में लिखा हुआ रहेगा, इधर वाला होल रहता है, इधर वाला क्या रहता है, फ्रैक्शन रहता है। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, तो हम और आगे बताएंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, कि मिक्स फ्रैक्शन को ना इम्प्रोपर में बदला जा सकता है और इम्प्रोपर को मिक्स में। जैसे कैसे, इसको अगर हम फ्रैक्शन में इम्प्रोपर में करें क्या होगा, इसको गुणा किया जाता है, आठ तरीका चौबीस, और चौबीस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, पच्चीस, पच्चीस बटा में आठ। तो देखिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो ये इम्प्रोपर बन गया ना, अनुचित भी, मतलब जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या बन गया, इम्प्रोपर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग किसमें बदल सकते हैं, इम्प्रोपर में, और इम्प्रोपर को किसमें बदल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। वो कैसे बदलेंगे हम आगे चर्चा करें, यहाँ पे इतना ही थोड़ा सा जानना है। अब मिक्स फ्रैक्शन के बाद अगला आता है, अब तो मिटाते हैं बोर्ड पर गया। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे देखिएगा, इसमें अगला आपको मिलेगा इनवर्स फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन जिसको कहा जाएगा व्युत्क्रम भिन्न, है ना, और ठेठ भाषा में कौन सी कहिएगा, उल्टा भिन्न, उल्टा भिन्न। व्युत्क्रम नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ रहे हैं, ठेठ, उल्टा भिन्न, ठीक है। तो उल्टा भिन्न जैसे बोला जाएगा ना कि थ्री बाई फाइव है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका इनवर्स हो जाएगा फाइव बाई थ्री, उलट देना है, नीचे को ऊपर कर देना है, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका इनवर्स फ्रैक्शन। अब आता है एक कंपाउंड, कंपाउंड फ्रैक्शन, जिसको कहा जाएगा संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न, याद ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भिन्न के रूप में रहेगा, जैसे टू बाई थ्री और बड़ा वाला बटा रहेगा सिक्स बाई फाइव। तो जब दो गो भिन्न, जब दो गो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन रहे तो उसको कहा जाएगा कंपाउंडेड फ्रैक्शन, है ना, फोर बाई थ्री बटा नाइन बाई सेवन, ये क्या हो गया, कंपाउंडेड फ्रैक्शन हो गया, संयुक्त भिन्न हो गया, है ना। ये आगे एक और आता है कंटिन्यूअस भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जिसको कहा जाता है सतत भिन्न, सतत भिन्न। और ये वाला जो सतत भिन्न है ये रेलवे एसएससी का बहुत फेवरेट है, ठीक है, तो यहीं से वो क्वेश्चन उठाता है। सतत भिन्न किसको कहते हैं, चार जोड़ दो बटा तीन प्लस दो बटा पांच, ऐसा रहेगा, प्लस वन बाई थ्री, है ना, प्लस सिक्स बाई सेवन, इस तरह से ये लगातार रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। इसको क्या बोला जाता है, सतत भिन्न। कंटिन्यूअस भिन्न को कैसे बनाया जाता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, आगे करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को केवल समझना है कि भिन्न होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे बातें जानना जरूरी है, ठीक है।
एक और थोड़ा सा जान लीजिए, एक यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको हम। एक आता है यूनिट, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? तो वैसा फ्रैक्शन, वैसा भी जिसका न्यूमरेटर एक होगा, जैसे एक बटा दो, एक बटा छ, वन बाई नाइन। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वन रहेगा तो उस फ्रैक्शन को कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? यूनिट फ्रैक्शन। ये रहे भिन्न के टाइप्स। अब इसमें कुछ भिन्न के साथ ऑपरेशन होता है प्लस माइनस का, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में तुलना कैसे की जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर लिखा रहेगा क्या 1/4 और 2/4, चाहे यहां 3/4 ले लेते हैं, 1/4 और 3/4, तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा। याद रखिएगा, कहीं कॉपी में नोट भी कर लीजिए कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे वाला सेम हो, जब नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला बड़ा तो बड़ा और छोटा तो छोटा। यानी आप यहां कह सकते हैं कि 3/4 जो है ये बड़ा है किससे? 1/4 से। ठीक है, अब देखिए यहां समझिएगा दूसरा बात कि ऊपर में रहेगा 5/3 और नीचे में रहेगा, इधर दूसरा फ्रैक्शन रहेगा 5/4, इस तरह से रहेगा। तो देखिए यहां पर क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा था वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, यहां पे उल्टा हो गया, न्यूमरेटर सेम हो गया है और डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया है। तो जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे यहां पे आप कह सकते हैं कि 5/4 जो है ये छोटा है किससे? छोटा है, नहीं, ये 5/4 जो है छोटा है किससे? 5/3 से। ठीक है, दोनों में अंतर समझना है। अगर डिनोमिनेटर सेम तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन, जो छोटा वो छोटा। अगर न्यूमरेटर सेम, ऊपर वाला सेम, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो हो जाएगा छोटा फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन। आई बात समझ में? आइए इसको और क्लियर करने के लिए हम देखते हैं। देखिए ये क्या है, ऊपर वाला सेम, न्यूमरेटर सेम, तो जो बड़ा डिनोमिनेटर रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, घरेलू एग्जांपल जिसको कहा जाता है ना, देहाती एग्जांपल उसको लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पे क्या है, एक रोटी है और एक और रोटी है, दो रोटी है, ये दो भाग है, ये चार भाग है। इसको खाने वाला आदमी दो गो है और इसको खाने वाला आदमी चार। ठीक है, तो रोटियां दोनों जो है ना सेम साइज का है, दोनों का साइज क्या है? सेम। तो अभी दो गो आदमी खाने वाला है तो क्या करेगा, आधा आधा खा लेगा, है ना, आधा आधा रोटी खा लेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये चार आदमी खाने वाला है तो एक ही रोटी में ना चार टुकड़ा खाएगा जी। तो जब एक आदमी एक ही रोटी में चार आदमी खाने वाला रहेगा तो इसको क्या मिलेगा, तनी तनी मिलेगा, है ना, छोटा 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 मिलेगा। आई दो आदमी है इसको तनी बड़ा बड़ा मिलेगा। यानी आप क्या समझे, रोटी सेम था और नीचे वाला अलग अलग था, आदमी क्या था? अलग अलग था। तो जब आदमी ज्यादा है तो हिस्सा कम मिल रहा है, तनी तनी मिल रहा है, और आदमी क्या है, कम है तो हिस्सा ज्यादा ज्यादा मिल रहा है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ मिला होता है कि अगर न्यूमरेटर सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, दोनों रोटी सेम रहेगा, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं इसके आगे, जो डिनोमिनेटर जिसमें अलग अलग होगा उसमें क्या करेंगे। यहां पर रहेगा 6/7 और रहेगा 5/4। अब क्या करेंगे, ये तो अलग हो गया, ना ऊपर वाला में है ना नीचे वाला में, है ना, ना ऊपर वाला सेम है ना नीचे वाला सेम है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। इसको क्रॉस गुना कीजिए और इधर एरो मारी, इधर लिखिए 7/5 35। इसको क्रॉस गुना कीजिए, इधर 6 का 24,
सेवन फाइव जा 35, फोर सिक्स जा 44, 24. अब देखिए क्रॉस गुना करने के बाद, क्या करने के बाद, क्रॉस गुना करने के बाद जिसके माथा पे बड़ा नंबर आएगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जिसके माथा पे छोटा नंबर आएगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 6/7 छोटा है 5/4 से, कहे कि 5/4 के माथा पे बड़ा नंबर आया है। क्रॉस गुना करने के बाद जिसके माथा पे बड़ा नंबर वो हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन, और जिसके माथा पे छोटा फ्रैक्शन, छोटा नंबर, वो हो जाएगा छोटा फ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया होगा? तो और थोड़ा सा और देख लीजिए, डेसिमल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कहीं पे अगर लिखा रहेगा इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, टू, इसको यहां लिख देते हैं 25.45। तो देखिए दशमलव के पहले वाला जो पॉइंट है इसको, इसको कहा जाता है होल पार्ट, होल पार्ट, और इधर वाले को कहा जाता है डेसिमल पार्ट। इधर वाले क्या कहा जाता है, डेसिमल पार्ट, और इधर वाले क्या कहा जाता है, होल पार्ट। जैसे प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। तो थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फोर होल 3/2, इसको 5 कर देते हैं, इसको बोला जाता है क्या, होल पार्ट, इसको बोला जाता है फ्रैक्शन पार्ट। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करने का तरीका है कि इसको गुना किया जाता है, जो प्रोडक्ट आता है उसमें ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। क्या होगा, 4/5 = 20, 4 × 5 = 20, 20 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई, 23/5 हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में आ गया, और भी आगे हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो और डिटेल करवाएंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझिए। अब आप थोड़ा सा देखिए कि अगर दो गो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई में रहे तो क्या किया जाता है। तो जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखा जाता है कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जब ये नहीं कटेगा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर दिक्कत करता है तो ऐसा समझिएगा ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे या नीचे वाले को नीचे से गुना करके लिख देंगे, और ऊपर वाला नीचे वाले से कटता है या नीचे वाला ऊपर वाला से कटता है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 × 6 कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, है ना। जैसे मान के चलिए कुछ कटने वाला लेते हैं, जैसे 4/3 × 12/8 ऐसा रहेगा। तो देखिए इसके कोना कोनी काट देंगे, ऊपर नीचे 3 से काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, और ये वाला 4 से इसको काट देंगे, 4 × 8 2 बार में कट जाएगा, इसको फिर 2 से काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बात है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, सारे चीज जब हम इसमें बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें आएंगे। अभी थोड़ा सा हम खाली ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म देखिएगा आप लोग बाद में। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये रहेगा 6/5 डिवाइड रहेगा 42/30। जब ऐसा रहेगा कहीं तो आपको समझना है कि 6/5 ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो इधर वाला उलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। अभी काट दीजिए 6 के टेबल से 7 बार में, 5 के टेबल से 6 बार में, आंसर क्या हो गया, 6/7। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए कहीं प्लस दे दिया रहे, प्लस दे दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 + 2 दो होगा, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 × 6 = 2 यानी 5/6 हो जाएगा, ठीक है। और बस ये हो गया। तो ये फ्रैक्शन का क्या है, कुछ ऑपरेशन है
अब आगे आइए थोड़ा सा डेसिमल में देख लीजिए, डेसिमल में कैसे कैसे क्या होता है, डेसिमल में दशमलव में क्या होता है। इसमें जैसे लिखा रहेगा 2.56, इसको गुना करना है 1.7 से, तो गुना करने के लिए क्या है, दो अंक का गुना है, दशमलव को भूल जाइए। सबसे पहले गुना कीजिए 7×6 = 42 के दो, यहाँ हाँसी लिख लीजिए 4, 7×5 = 35, 35×4 = 39 के 9 हाँसी 3, 7×2 = 14, 14×3 = 17, ये मिटा दीजिए, 1 से गुना कीजिए 1×6 = 6, 1×5 = 5, 1×2 = 2, ये अभी सिखाना है इसलिए हम कर रहे हैं, है ना, 1×2 = 2 है, 1×5 = 5, इसका डायरेक्ट है, डायरेक्ट हम बता देंगे कि 17 से कैसे गुना किया जाएगा, बस आप लोग धैर्य बनाए के रखिए, है ना, इंतजार का फल मीठा होता है इसलिए इंतजार कीजिए। इसको जोड़ेंगे 2×9 = 6, 15×5 हासिल 1, 7×5 = 12, 1×13 = 3 हासिल 1, 2×1 = 3, 1×4, यहाँ देखिए जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है ना तो इसके नीचे एक अंक छोड़ दिया जाता है। अब देखिए अब क्या करना है कि आंसर में दशमलव लगाना है, तो आंसर में दशमलव लगाने के लिए क्या करना है, गिनना है कि दशमलव के बाद टोटल डिजिट कितना है दोनों ऊपर नीचे दोनों नंबर में, तो यहाँ एक और यहाँ एक, 1, 2, 3, तो आंसर में दशमलव राइट साइड से 1, 2, 3 यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा यहाँ पर, तो मेरा इसका आंसर कितना होगा 4.352। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कहीं रहेगा ऐसे जोड़ना रहेगा, क्या रहेगा, जोड़ना रहेगा, तो कितना होगा, इसको प्लस करना है, इसको गुना करना था, इसको गुना करना था, 2×1 = 3, 2×1 = 3, दशमलव 4×2 = 6, दशमलव अभी बोलिए, इसको जोड़ दिए। अब प्लस में ये दिमाग मत लगाइएगा कि गुना में क्या किए, 1, 2, 3 सारा डेसिमल को काउंट किए, प्लस में वैसा नहीं करना है, प्लस में किसी एगो को काउंट कर लेना है, या तो नीचे वाला में नहीं तो ऊपर वाला, तो नीचे वाला में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, तो आंसर में राइट साइड से 1 और 2 यहाँ पर गिन के क्या कर दीजिएगा, दशमलव डाल दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 6.33। तो इस तरीका से ये सब क्या है, डेसिमल के और फ्रैक्शन के कुछ बेसिक बातें हैं। और थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 2.5, बोलेगा इसको फ्रैक्शन बदलिए, तो इसको लिखेंगे हम 2.5 ऐसे लिखेंगे, अभी पॉइंट उड़ा देंगे, पॉइंट उड़ा देंगे तो पॉइंट के बदला में क्या रहेगा 1, अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, इस पे 1 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 50 25, 5×2 = 10, आंसर क्या आ गया 5/2। और कुछ देख लीजिए, इसको क्या करना है, यहाँ पे 6 है, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2, 4, 6 ये डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लिखिए, इस डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल के बदला में 1 है, 1 के बाद कितना 0 है, कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 2 से कट जाएगा, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2×3 = 6, कितना हो जाएगा 123/5, ठीक है। और देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ रहेगा 3.456, इसको बदलना है, ये क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, यहाँ दशमलव, दशमलव उड़ाओ, दशमलव के बाद लेगा, दशमलव बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो गया 3 डिजिट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये कुछ थी दशमलव और फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की जुड़ी बातें, इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन हम फिर लेके आएंगे अगले वीडियो में। आप लोग से विनती है कि इसका नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना करके एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में आ जाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।